हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट में द गोल्डन टच क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर टू क्लास फोर्थ इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर टू द गोल्डन टच की रीडिंग की थी। इस पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ उसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उनको राइट पे टिक करना है। ये ध्यान रहे, रिमेंबर इट, हियर आई राइट ओनली द आंसर्स, जो ऑप्शन है उनको ही लिख रहा हूं, बाकी आप बताते देखेंगे जो करेक्ट आंसर है जो करेक्ट ऑप्शन है मैंने उनको ही लिखा है यहां पर। जैसे मिडास है हीप ऑफ गोल्ड, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड, मिडास टर्न इंटू गोल्ड, मिडास की क्या चीज सोने बदल गई थी, डॉटर टर्न मिडास डॉटर इज द करेक्ट ऑप्शन। डॉटर मिडास डॉटर टर्न इंटू गोल्ड। थर्ड, ही डिसाइडेड नेवर टू बी अगेन, उसने दोबारा क्या ना होने की निश्चय किया। ग्रीडी यह ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर ग्रीडी। एक्सरसाइज नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डिड किंग मिडास विश टू हैव, मिडास ने क्या मांगने की इच्छा प्रकट की थी, वो क्या चाह रहा था कि मेरे पास क्या हो। आंसर, किंग मिडास विश टू हैव द गोल्डन टच। किंग मिडास, राजा मिडास ने इच्छा की थी कि उसके पास गोल्डन टच की पावर आ जाए, जो कुछ भी छुए वो सब सोने की हो जाए, ये उसकी इच्छा थी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई कुड मिडास नॉट स्लीप एट नाइट, वो पूरी रात को क्यों नहीं सो पाया। जब एंजल उसके पास आई, जब परी उसके पास आई कि उसने उसको वरदान दिया, तो वो पूरी रात क्यों नहीं सो पाया। मिडास कुड नॉट स्लीप एट नाइट बिकॉज एज सनराइज हिज विश टू बी फुलफिल्ड, वो मिडास कुड नॉट स्लीप एट नाइट, रात को वो सो नहीं पाया, मिडास रात को सो नहीं पाया बिकॉज, क्योंकि एज सनराइज सूर्य उगते ही उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, वो इस बेचैनी से रात को सो नहीं पाया कि उसकी इच्छा दिन निकलते ही सूर्य निकलते ही पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड किंग मिडास आस्क द एंजल टू टेक बैक फ्रॉम हिम, राजा मिडास ने एंजल से क्या वापस ले जाने को कहा, कि वो उससे सब कुछ वापस ले जाए, ऐसा क्या कहा, क्या वापस ले जाने के लिए कहा। आंसर, किंग मिडास आस्क द एंजल टू टेक बैक हिज गोल्डन टच, किंग मिडास ने एंजल से कहा कि वो अपने गोल्डन टच कि जो शक्ति है जो मैजिक है उसको वापस ले, कि वो नहीं चाहता कि उसके पास गोल्डन टच की जो मैजिक थी वो उसके पास रहे, क्योंकि उससे वो बेचैन हो गया था, वो कुछ खा नहीं पा रहा था, कुछ पी नहीं पा रहा था, इसलिए उसने एंजल से कहा कि वो अपनी गोल्डन टच की जो मैजिक है वो वापस ले जाए। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वॉज मोर प्रीसियस फॉर किंग मिडास देन गोल्ड, व्हाट वॉज मोर प्रीसियस फॉर किंग मिडास देन गोल्ड। क्वेश्चन नंबर फोर में ये कह रहा है कि राजा के लिए सोने से ज्यादा कीमती और क्या था, बाद में उसको सोने से ज्यादा कीमती क्या लगा। आंसर, द फूड वॉटर, द फूड वॉटर एंड हिज डॉटर वर मोर प्रीसियस फॉर किंग देन गोल्ड, बाद में उसको रियलाइज हुआ, उसको एहसास हुआ, तब उसको लगा कि भोजन पानी और उसकी पुत्री सोने से ज्यादा कीमती है। ओके, दिस चैप्टर इज ओवर, थैंक्स अ लॉट। सॉरी, दी चैप्टर इज नॉट ओवर, अभी हम इसके क्लब से बताते हैं। फिल द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स, किंग मिडास हैड हीप्स ऑफ, यहां गोल्ड ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स में आएगा गोल्ड।
आई फील द गुड. सेकंड ही वाज द मैन ऑन द अर्थ. ये ब्लैंक है, ब्लैंक में आएगा हैप्पीएस्ट. एंड अपीयर्ड बिफोर हिम इज ब्लैंक. इन ब्लैंक वी बिल्ड एंजल. ये एंजल आएगा. फोर ही हैड बीन ब्लेस्ड विद ए टच. ब्लैंक या ब्लैंक है, ब्लैंक में हम भरेंगे गोल्डन. अब होता है ही हैड बीन ब्लेस्ड विद ए गोल्डन टच. फिफ्थ एवरीथिंग चेंज बैक टू इट्स फॉर्म. एवरीथिंग चेंज बैक टू इट्स रियल फॉर्म. जो ब्लैंक और ब्लैंक को हमने भरा रियल. ओके नाउ चैप्टर इज ओवर. थैंक यू.